तो गाइस आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ हॉस्टल वाटर प्रैक्टिस सेट पार्ट वन वीडियो है। आज से नए समय पर प्रारंभ हो चुका है, रात 8 बजे, ठीक है। और बिल्कुल 9:30 बजे की क्लास होती है हॉस्टल वार्डन की, ठीक है। जीके जीएस की तैयारी करने चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। आज से नए समय पर प्रारंभ हो चुकी है क्लास हॉस्टल वार्डन की, जो तैयारी करें 9:30 बजे, रात 9:30 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर, जिसका एग्जाम आपका 6 नवंबर को होने वाला है, जो 7:30 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन प्रैक्टिस सेट पार्ट वन वीडियो है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि देखिए हॉस्टल वार्डन का 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज पहला वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों से पूछा गया प्रश्न है। जैसे पीएससी, व्यापम, यूपीएससी, तीनों ही परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाएं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। साथ ही लाइक करते हुए चलिएगा वीडियो को, जितने हो सके लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हॉस्टल वार्डन की आज का पहला वीडियो है और साथ ही बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ये नए सिरे से क्लास आरंभ होने जा रही है 10 दिनों के लिए, ठीक है, और भी टोटल आपको 30-30 MCQ कराया जाएगा। साथ ही 10 दिनों का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि टोटल आपको 300 MCQ करा दिया जाएगा। वहाँ से आपको बिल्कुल 50-70% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहला वीडियो देखते हैं, आपका पहला क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वायु में से वायु मारक मिसाइल है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है ये वायु मारक मिसाइल क्या है, तो ये आपका अस्त्र है, ठीक है। तो इनका बिल्कुल डिटेल देखने वाले हैं, अस्त्र होता क्या है। तो देखिए अस्त्र से होता है हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल, क्या है, हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल, जिसे DRDO द्वारा भारत ने विकसित किया है। यह भारत द्वारा विकसित पहला वायु मारक मिसाइल है, क्या है, DRDO, इसका फुल फॉर्म हम कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये पहला भारत द्वारा विकसित हुआ वायु मारक मिसाइल है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है, तो आपका जेम्स रॉड्रिगेज ने जीता है, रॉड्रिगेज, ठीक है, जेम्स रॉड्रिगेज ने जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 7:30 बजे की क्लास स्टार्ट होती है, रात 7:30 बजे। हॉस्टल वार्डन की 9:30 बजे की क्लास स्टार्ट होती है, बिल्कुल जुड़ जाइएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे, प्रथम आंग्ल वुमेन भारतीय महिला बैंक ने किस वर्ष कार्य प्रारंभ किया है, जो भारतीय आंग्ल महिला है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 2013 में, ठीक है, जो कि किस वर्ष प्रारंभ किया है 2013 में, प्रथम आंग्ल वुमेन भारतीय महिला बैंक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि 1945 में आजाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित हुआ था। देखिए आप सभी को पहले ही बताया हूँ, करेंट अफेयर की क्लास जो हॉस्टल वार्डन की चल रही है अभी, ठीक है, 9:30 बजे क्लास होती है, उसमें करंट अफेयर की क्लास, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से पूछे जाने वाले प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा का आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, लाल किला, ठीक है, लाल किला, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अगर कॉपी रखे होंगे साथ में इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर कभी भी परीक्षा दिलाने जाएं तो वीडियो को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जब भी परीक्षा आए तो इस वीडियो को एक बार देख सके, ठीक है। तो जो कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध जो मुकदमा किया गया था वो लाल किला में किया गया था, तो आपके आंसर नहीं है इसमें ऑप्शन में, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला पर मुकदमा आयोजित किया गया था, ठीक है। माइकल फैराडे का किस आविष्कार, ये फिजिक्स से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, फिजिक्स का मतलब भौतिक से, तो मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, ठीक है, भौतिक रसायन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को कराने वाला हूँ, ठीक है। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो माइकल फैराडे किस के लिए जाने जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा विद्युत चुंबकीय के लिए जाने जाते हैं, ठीक है,
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं माइकल फैराडे आविष्कार को। यह प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं उसी को अब से उसको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा और वही क्लास अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, वही क्लास अटेंड कर पाएंगे जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं। ऐसे नहीं कि मैं कोई भी को अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उसी को क्लास आपसे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय की खोज कब की थी इसको भी याद कर लीजिएगा। 1831 में कब की थी, 1831 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है, तो मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है तो देखिए इंडियन जीके यानी कि भारत का संविधान से क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न भी देखेंगे। भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यानी कि जितने भी सामान्य ज्ञान हैं ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका युद्ध मंत्रिमंडल या फिर संसदीय मंत्रिमंडल या फिर रसोई मंत्रिमंडल या फिर छाया मंत्रिमंडल, यानी इसको क्या बोला जाता है, वार कैबिनेट या पार्लियामेंट कैबिनेट संसद को बोला जाता है, रसोई कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट या सद्योग कैबिनेट यानी कि छाया। इसका आंसर हो जाएगा वार कैबिनेट, मतलब युद्ध वाला, ठीक है, युद्ध वाला हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन देखना है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। भारत में 1933 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति के प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, इसका आंसर आ जाएगा रामास्वामी, ठीक है, रामास्वामी, वी रामास्वामी के में, ठीक है। इसके बाद भारतीय संसद के द्वितीय सदन यानी राज्यसभा के विषय में क्या सही है, तो देखिए अभी हम भारत के सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, ठीक है, भारत का सामान्य ज्ञान, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसके बाद करंट अफेयर, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी कि पूरा मिक्सिंग क्लासेस है, ठीक है, मिक्सिंग यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल कराने वाला हूँ। भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, यानी कि सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए भारतीय संसद के द्वितीय सदन यानी कि राज्यसभा के विषय में क्या सही है, तो यह भंग नहीं किया जा सकता, या इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, या एक स्थायी सदन है। ये कूट बड्डा में दिया गया है, ऐसे एग्जाम में पूछता है, या फिर उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो चलिए इसका कूट बद देखते हैं, इस 6वां क्वेश्चन भी दिया गया, देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत की जाते हैं, बिल्कुल गलत, यानी कि आपका हो जाएगा ये 4वां, 5वां और 1, जो स्थायी सदस्य जो कभी भंग नहीं होता, ठीक है, तो यह एक स्थायी सदन है। उसके बाद उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 4 और 5, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है, तो राष्ट्रीय गठबंधन का अंग नहीं है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, केरल कांग्रेस, नागा पीपुल्स फ्रंट या झारखंड मुक्ति मोर्चा, नागा पीपुल्स फ्रंट कौन सा आएगा, इसका संगठन नहीं है बोला गया है, तो आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखे हैं तो 1, 3, 5 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी, ठीक है। इसके बाद है जब कोई वस्तु द्वारा या किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है या उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाई गए द्रव के भार को बराबर होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आर्किमिडीज ने किया है, किसने किया, आर्किमिडीज ने किया है। साथ ही आप सभी को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की तैयारी कैसे करना है, तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसका सिलेबस कंप्लीट मैं करा दिया हूं, ठीक है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्वों को या रेशो को किया जाता है ऋण सुविधाएं कब बढ़ेगी, बढ़ेगी कम होगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, बढ़ना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा जैव विविधता के पिता का जनक कहा जाता है, तो जैव विविधता के पिता का जनक किसे कहा जाता है, तो विल्सन को, ठीक है, विल्सन को कहा जाता है, एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है। इस राज्य के दल्ली राजहरा की पहाड़ी किस खनिज के लिए जाना जाता है, जो दल्ली राजहरा है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। 1857 इसमें भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था, किसने विद्रोह किया था 1857 में, जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सबसे पहला विद्रोह किया था, ठीक है। इसके बाद एक्स किरणों का आविष्कार कौन सा है, तो एक्स किरणों का आविष्कार आपका हो जाएगा मैक्स
प्लांक, ठीक है, मैक्स प्लांक है जो कि एक्स किरणों का आविष्कारक है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था, तो आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य स्थिरता, जो कि उद्देश्य नहीं है। जबकि यहाँ पर देखिए, इसको नोट कीजिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है कृषि पर केंद्रित करना है, तीव्र औद्योगिकरण करना है, उसके बाद परिवहन करना है, लेकिन मूल्य स्थिरता नहीं करना है, या इसका उद्देश्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्षिणी मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, यह आपका तालीकोट है, तालीकोट का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, तालीकोट का युद्ध लड़ा गया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जनक के रूप में जाना जाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किसके, हरित क्रांति के लिए, बिल्कुल सही है, हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद है, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति के सभापति कौन है, तो ये मोगली पुत्र है, ठीक है, मोगली पुत्र है, ठीक है। इसके बाद है, अनुवांशिकता के नियम का आविष्कार किसने किया है, तो ग्रेग जॉन मेंडल, ठीक है, जो कि अनुवांशिक नियम का आविष्कार किया है। उसके बाद देखने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही बोल रहे हैं, क्या 20 क्वेश्चन करने वाले हो क्या, ठीक है भाई, चलिए आप सभी के लिए मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा आज के लिए, ठीक है। चलिए, अनुवांशिक के नियम का आविष्कार किसने किया है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने, ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला था, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दो सर करके बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत लेट हो चुकी है, रात हो चुकी है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए रात हो चुकी है बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, 7:30 बजे की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसको ज्वाइन किए थे क्या, कौन कौन किए थे जल्दी बताइए, अच्छा 35 लोग किए थे, 35 या 36 है, 36 लोग किए थे क्या 7:30 बजे की क्लास, और ये कितने किए हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 45 लोग हैं, अच्छा 45 लोग अभी जो क्लास हुआ उसमें 45 लोग जुड़े थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल पार्ट टू वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, भूगोल से। मिट्टिया की क्लास हो चुकी है क्या आप लोग को, कौन कौन मिट्टी की क्लास कर चुके हैं, मिट्टिया से पूछे जाने वाले प्रश्न, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी वाला, अच्छा नहीं हुआ है ना, चलिए ठीक है, कल करा देंगे।